सो फ्रेंड्स, हम आप सबके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा है। आप सबके साथ इसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कितना क्रिस्पी, कितना ना क्रिस्पी है। बना रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मेरा बाबू परेशान कर रहा है, चलो मम्मी किचन में जल्दी से कुछ बनाओ। और क्या है ना कि आज बच्चे घर पे ही हैं, आज मतलब छुट्टी है, बच्चे घर पे ही हैं तो कुछ बनाएंगे। बारिश का मौसम भी है तो थोड़ा सा चटपटा कुछ बनाएंगे, बच्चे घर पे हैं तो। कैसे सब फैला दिया? अरे मम्मी रुकना, डायरेक्टली ना इसको ये लो, इतना सब फैला दिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम बनाएंगे चावल से कुछ चटपटा पकौड़ी बनाएंगे बचे हुए चावल से। और यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी बचा हुआ, रात का है ये, रात का मेरा चावल बचा एकदम से ठंडा है। इसको रख दिए थे निकाल के, और ये बच्चों ने बेसन निकाल के रखा है। ये सब ना नाश्ता बनाने के मतलब जो लगेगा सब, देखिए ये लौंग, इलायची, ये सब ले लेके बैठे हैं, चलो बनाने हैं। इधर देखिए, इधर दूध गिरेगा, हम बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी तैयारी हम कर लेते हैं और आप सबके साथ भी ना इसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे ना हम प्याज लेंगे, और बारिश का मौसम भी है, प्याज अगर रहता है घर में ज़्यादा तो क्या है वो ख़राब भी होने लगता है ना, तो उसमें से ना बीन बीन के हम ले लिए हैं यहाँ पे प्याज, जो ख़राब हो रहा था। ये देखिए किसे गीला पड़ रहा है, ये ख़राब हो जाएगा। ये सारे प्याज ना मैं छील के बारीक बारीक काटूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए प्याज हम अच्छे से ना साफ़ कर लिए हैं, और ये भी अच्छे से निकाल दिए हैं सारे में से। यहाँ पे देखिए प्याज हमारी सड़ रही थी, कितने ख़राब भी निकले हैं यहाँ से, और इसको हम ना बारीक काटेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सारे कांदे हम काट लिए हैं बारीक बारीक करके, 4 से 5 कांदे हैं, और मेरा चावल भी जो है ना 4 कप से ज़्यादा रहेगा, कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, और इसीलिए हम कांदा थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं। अब इसमें डालूँगी ना मैं नमक, अब इसको मोएंगे अच्छे से। ताकि सब अलग हो जाए, देखिए कैसे पानी निकल रहा है ना इसमें से। सॉफ्ट हो गया है, अब इसको हम रख देते हैं साइड में, और बाकी सामान जो इसमें लगना है ना वो सब मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे ना हम चटनी बना लेंगे। टमाटर 2 काट के रख लिए हैं, थोड़े से अदरक के टुकड़े हैं, भुने हुए चने, और 2 से 3 मिर्च लिए, मिर्च मेरी रखे ना सूख रही है, धनिया, और इसमें डालूंगी मैं लहसुन 4 से 5 कली, नमक डाल के इसकी चटनी हम बना लेंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, चटनी हमारी बन गई है, ये देखिए इसको साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा सामान हम रख लिए हैं जो हमें डालना है। 1 चम्मच लिए हैं यहाँ पे सौंफ, और 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तीखी नहीं है। चिली फ्लेक्स लिए हैं यहाँ पे, और 1/2 चम्मच यहाँ पे हींग लिए हैं, 1 चम्मच अजवाइन, और 1/2 चम्मच यहाँ पे लिए हैं काली मिर्च कूट के, 1 चम्मच धनिया कूट के लिए हैं, यहाँ पे 1 चम्मच है चाट मसाला, ढेर सारा धनिया है यहाँ पे,
हरी वाले। और यहाँ पे ना हरी मिर्च नहीं डालना है क्योंकि मेरा छोटा बेटा रुद्र है, वो तीखा नहीं खाता। और यहाँ पे लिए हैं एक चम्मच अदरक लहसुन, कूट के लिए ही इसको हम, कूट के ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज जो है ना कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, पानी इसमें से देखिए कैसे आ गया है, यहाँ पे देखिए। अब इसमें डालेंगे हम ये बचा हुआ चावल, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे ना, ये जो है चावल ना चिपकेगा नहीं तक। ये देखिए आसानी से सब निकल आए। अदरक लहसुन का, अदरक लहसुन जो कूट के रखी थी वो भी डाल दूंगी हम, ये सारे मैं डाल दूंगी इसमें, यानी ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी अभी। यहाँ पे ना पानी बिल्कुल से भी नहीं लगेगा, प्याज में जो है ना पानी छोड़ता है, बिल्कुल से पानी नहीं लगने वाला है यहाँ पे। आप देखिए इसको अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए मैदा, बेसन, बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे 8 से 10 चम्मच तकरीबन मुझे लगेगा, हम ऐसे अंदाज से डाल रहे हैं। यहाँ पे डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच चावल का आटा, इससे ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 3 से 4 चम्मच हम तेल भी डाल दिए थे, उससे ना देखिए फ्रेंड्स सारा हम मिला लिए हैं। आप हाथ में सारा मिला लिए, यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं, इससे क्या है ना हाथ में चिपकेगा नहीं। इस तरह से मेरा तेल हम रखे थे, तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बन चुका है। हाँ बेटा बन चुका है, मेरा बेटे से ना कंट्रोल नहीं होता, अगर हम किचन में रहते हैं तो ये मेरे पास ही रहते हैं, इसको ना निकाल लेंगे। एक बार मशीन में डाल दूँ। मेरा बेटा कितना खुश है, खा रहा है और हम बना रहे हैं, ये खा भी रहे यहाँ पे। इनको ना बहुत केचप लगता है, बहुत केचप लगता है, अभी इनको और चाहिए केचप। बचे हुए चावल का चटपटा टेस्टी नाश्ता तैयार है यहाँ पे। चलिए बच्चों का रिएक्शन देखते हैं, बच्चों के पास लेके चलते हैं। आप सभी आ जाइए खाने के लिए। बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, अब
अभी ये सब खाएंगे और ये देखिए इनको और सॉस चाहिए इनको और इनका सॉस ना बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ये बहुत खाते हैं, इसीलिए नहीं दे रही थी, चटनी से खा लो, लेकिन ना ये सॉस ही खाएंगे तो अभी इनका सॉस देखिए क्या ये रो रहे हैं, इनको सॉस चाहिए, चल इनको और सॉस देते हैं, ये लो तुम्हारा सॉस खुश। तो फिर चलिए हम यहीं पे ना एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय।